अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। ये हमारा खास कार्यक्रम है पर्यटन पर, जिसमें आज हम आपको बताएंगे गुजरात के सापुतारा के बारे में। ये है गुजरात का इकलौता हिल स्टेशन, जहां इन दिनों चल रहा है सापुतारा मॉनसून फेस्टिवल। डांग जिले में स्थित इस हिल स्टेशन में मॉनसून के दौरान सैलानी खास तौर पर आते हैं। देश को आप जितना जानेंगे देखेंगे, आप इसे उतना ही नया और अलग पाएंगे। इसकी वजह है कि यहाँ के कोने कोने में ऐसे ऐसे कीमती हीरे छुपे हुए हैं, जिन्हें तलाश लाने के लिए चाहिए पारखी और कौतूहल वाली नजर। आप किसी भी दिशा में चले जाएं, कुछ न कुछ नायाब मिल ही जाएगा। खास बात ये भी है कि हर मौसम के लिए एक अलग डेस्टिनेशन मौजूद है। गर्मियों में पहाड़ों पर सुखद एहसास होता है, तो सर्दियों में सुनहरी रेत गर्माहट देती है। ऐसे में बरसात का हरा भरा रंग देखना हो तो है ना पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट। ये गुजरात से लेकर केरल तक देश के पश्चिमी सिरे पर पूरी आन बान और शान से अरब सागर से उठकर आए मेघों को अपने घने जंगलों से पुकारता है। ये मेघ भी मानसून के रूप में केवल वेस्टर्न घाट को ही नहीं पूरे देश को सराबोर कर देते हैं। सापुतारा सह्याद्री पर्वतमाला के बीच करीब 1000 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक शांत और मनोरम हिल स्टेशन है। किसी ने सच ही कहा है, मंजिल से ज्यादा सफर सुहाना होता है। ये बात आप सापुतारा के रास्ते देखकर खुद महसूस कर सकते हैं। अगर आप नेचर के बीच जाकर उसकी खूबसूरती का जमकर लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो सापुतारा आपके इंतजार में है। सापुतारा हिल स्टेशन डांग जिले के जंगली क्षेत्र में स्थित है। यहाँ के जंगल मदहोश करने वाले हैं। टीक और बांस के पेड़ों से भरी ये वन संपदा कभी अंग्रेजों के लिए भी आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी। ब्रिटिश हुकूमत इन जंगलों पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन यहाँ के आदिवासी लोगों ने उनका सपना साकार नहीं होने दिया। तब ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ के आदिवासी कबीले के मुख्य सरदार के साथ एक संधि की, जिसके एवज में ब्रिटिश हुकूमत इन जंगलों से कीमती टीक वुड हासिल कर सकी। ये जंगल घर है वर्ली, खुम्बी, भील और डांगी आदिवासी समाजों का। कहते हैं ये लोग 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान यहाँ आकर बसे और यहीं के होकर रह गए। खुद को जंगल पुत्र कहने वाला आदिवासी समाज इन जंगलों से अथाह स्नेह रखता है, जिसका असर इनके जीवन के हर पहलू पर आप देख सकते हैं। इनके वाद्य यंत्र बांस के बने होते हैं। इनके लोक नृत्यों में बांस के बने मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। शरीर पर बने टैटू में भी पेड़ों की आकृति का उपयोग होता है। अगर आप सोच रहे हैं लेक सिटी भोपाल या उदयपुर को ही कहा जाता है, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि देश में एक और लेक सिटी है सापुतारा। इसकी वजह है सापुतारा के बीचों बीच बनी एक सुंदर और मनोरम झील, जो कि सैलानियों का खास आकर्षण है। इस झील में बोटिंग करने की सुविधा है। अच्छी बात ये है कि इसके लिए आपको बहुत पैसे नहीं खर्च करने होते हैं। बजट में यहाँ बोटिंग की सेवाएं सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं। यहीं लेक के नजदीक ही बहुत शांत और खूबसूरत बाग है, सापुतारा लेक गार्डन। इसमें कई तरह के खूबसूरत पेड़ भी हैं, जिन पर पास के जंगल से आए सुंदर पक्षी भी आपका मनोरंजन करने आ जाएंगे। गर्मियों में सापुतारा का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि सर्दियों में तापमान अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। मॉनसून में यहाँ साल में औसतन 2500 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की जाती है, इसीलिए ये हिल स्टेशन मॉनसून फेस्टिवल के लिए परफेक्ट माना जाता है। ये फेस्टिवल 4 अगस्त से शुरू हुआ, जो 3 सितंबर तक चलेगा। इसमें आप नायाब कुदरती नजारों के साथ साथ मनोहारी गीत संगीत, लोक संस्कृति और एडवेंचर एक्टिविटी का भी पूरा आनंद ले सकते हैं। इनका बंदोबस्त गुजरात टूरिज्म द्वारा किया गया है।